मॉर्निंग। लास्ट अपने जो लेसन लाइफ प्रोसेसेस लेसन नंबर 1 है अपने 10th क्लास की बायोलॉजी का, उसमें हमने जो ह्यूमन का डाइजेशन है वो पूरा कर लिया था। और अब अपने ह्यूमन का रेस्पिरेशन जो लास्ट वीडियो है उसमें दो तरीके का रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन था। तो अब ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन किस तरीके से गैसेस को इनटेक करता है, ऑक्सीजन को, एयर को, और किस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके लंग्स में से बाहर रिलीज होती है, इसे हम ब्रीथिंग प्रोसेस भी कह देते हैं। वो अपने पूरा किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है, वो अपने इसके अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एयर है वो एंटर होती है नोज के अंदर, ठीक है, नोज के अंदर भी एंटर हो सकती है, माउथ के थ्रू भी अपने गैसेस को ले सकते हैं। तो वैसे साइंटिफिकली नोज से हमें रेस्पिरेशन या एयर को इनटेक करना चाहिए। वो इसका रीजन ये है कि नोज है, नोज का जो आगे का पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन, उसे नासल पासिस कहते हैं, नेसल पासिस कहते हैं, जहां से एयर जाती है। अब नोज की जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कि एक जो हेयर है वो फिल्टर का काम करते हैं, यानी डस्ट वाली एयर है वो फिल्टर हो जाती है, डस्ट पार्टिकल उन हेयर के अंदर अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे म्यूकस होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। म्यूकस जब हमें कॉमन कोल्ड वगैरह होती है, स्नीजिंग वगैरह होती है, तो नेसल डिस्चार्ज होता है, जो नाक से सब्सटेंस निकलता है उसे हम म्यूकस कहते हैं। वो हमारे नोज को अंदर से मोस्ट बनाती है, गीला बनाती है, जिससे डस्ट के पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। और इसके अलावा माउथ से भी रेस्पिरेशन किया जा सकता है, जहां नोज और माउथ दोनों पीछे की ओर जाके मिलते हैं उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद इस तरीके से ये फूड पाइप इधर चला जाता है, ये फूड पाइप है जो हमारे माउथ से अटैच है, और जो एयर है वो इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड है, वॉइस प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट, इसे हम लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स। अब लैरिंग्स तक की बात मैं थोड़ा सा रोकूंगा। आजकल जैसे कोरोना वायरस की बातें काफी चल रही हैं, काफी कोविड-19 जो डिजीज है वो काफी फैली हुई भी है, तो उसमें हम स्पेशली माउथ और नोज को कवर्ड करने करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो वायरस है वो माउथ के थ्रू और नोज के थ्रू, ये टू ही पोर्स हैं जहां से ये एंटर होता है। अगर वायरस है वो इस फूड पाइप में चला जाता है तो उस पर्सन को इन्फेक्शन होगा नहीं, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और ज्यादा चांस है कि वो नोज से या माउथ से होता हुआ हमारे लंग्स वाले पोर्शन में आ जाए, तो लंग्स वाले पोर्शन में फिर वो इन्फेक्शन है वो क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। तो अपने यहां तक थे एयर, एयर फेरिंग्स में आई, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स अपने वॉइस प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट को हम लैरिंग्स कहते हैं। उसके बाद है फिर एक आगे पाइप है, इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया है, ये पतली मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, पॉलिथीन लाइक, और ये जब इसमें एयर नहीं है तो ये पिचक सकती है, कोलैप्स हो सकती है। क्वेश्चन आता है कि ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं होती जब इसमें एयर नहीं होती, तो इसमें ये इस तरीके से मैंने डार्क चीजें बनाई हैं, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स हैं जो इसमें लगे होते हैं, और इसको इस तरीके से पिचकने नहीं देते, कोलैप्स होने नहीं देते, इसे खुला रखते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रैकिया के अंदर एयर आ गई, और फिर इस तरीके से ट्रैकिया आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट में एक राइट के अंदर। तो
तो इस तरीके से ये जो पाइप जो डिवाइड हुई है इसको हम क्या कह देते हैं, ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। और ब्रोंकस आगे जाके फिर डिवाइड हुई है यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से। तो ये वाला जो पोर्शन है जो डिवाइड हुआ उसे ब्रोंकियोल, ब्रोंकस डिवाइड होके क्या बना? ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल आगे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये देखिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 मैंने बनाए, बहुत से हो सकते हैं। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंकियोल में से निकलती है, इसे एल्व्यूली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्व्यूली। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लंग्स का एल्व्यूली। एल्व्यूली में गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्व्यूली में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? इधर थोड़ा सा यहाँ देखें, एल्व्यूली इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, पतली पतली छोटी छोटी ब्लड की वेसल्स हैं, ब्लड की नाड़ियां हैं। और ये यहाँ CO2 छोड़ देती हैं एल्व्यूली के अंदर, और जो एयर आई है उसमें से क्या ले लेती हैं? ऑक्सीजन ले लेती हैं। ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर गया, बॉडी के अंदर चला जाएगा, और CO2 है वो यहाँ से ब्लड में से निकल के, इस तरीके से ब्लड में निकल के और एल्यूली के अंदर ही ये प्रोसेस हो रहा है, ब्लड में से रिलीज होके यहाँ आ जाती है और फिर ब्रोंकियोल के पास, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस में, फिर लैरिंग्स इस तरीके से होती हुई नोस्टिल से बाहर रिलीज हो जाती है। यानी गैसेस का एक्सचेंज हमारे, अगर ये कह दे कि लंग्स में कहाँ होता है, तो ये मेनली एल्व्यूली के अंदर होता है। ह्यूमन की सारी एल्व्यूलीज को ओपन कर दें, ये फोल्डेड होती हैं, इन्हें खोल दें तो एक टेनिस का कोर्ट है वो पूरा क्या हो जाता है? कवर्ड हो जाता है। फिर नीचे इस तरीके से मस्कुलर शीट हमें दिखाई दे रही है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम और लंग्स के बीच में इस तरीके से ये चेस्ट कैविटी है। क्या है? चेस्ट कैविटी। तो ये डायफ्राम जो है ये क्या काम करता है? जब हम इनहेल करते हैं इस तरीके से, अगर मैं इनहेल करता हूं तो मेरे लंग्स हैं वो क्या हो गए? फूल जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं, यानी डायफ्राम नीचे आ जाता है, लंग्स ज्यादा से ज्यादा एयर को ले लेते हैं और फैल जाते हैं, जिससे यहाँ एल्वियोली में गैसेस का एक्सचेंज क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे डायफ्राम है ये ऊपर आता है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे यहाँ से सारी की सारी CO2 है और वो नोस्ट्रिल के थ्रू, नोज के थ्रू बॉडी से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। यानी हमारे जो मेनली जो ट्रैक है वो ये है, नोज, नोज से नेसल पासेस, या नोस्ट्रिल भी कह देते हैं कई जगह, नोस्ट्रिल, नेसल पासेस, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से इस तरीके से आगे आ जाएगा ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल, और लास्ट में क्या आता है? एल्वियोली। अब यहाँ पे बात आती है कि ये हमारा फूड पाइप है और यहाँ पे ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जब हम कोई भी फूड वगैरह खा रहे होते हैं तो यहाँ पे एक लिड ढक्कन होता है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। वो याद करने की वैसे नीड नहीं है, एपिग्लोटिस। वो इसको कवर कर लेता है, यानी लंग्स वाला जो पोर्शन है, यानी जो हमारा विंड पाइप है, इसे कवर कर लेगा और हमारा फूड है वो इधर डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है जब हम स्वॉलिंग करते हैं, यानी निगलते हैं उस टाइम। और जब रेस्पिरेशन खोल रहा होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तब वो लिड इसके ऊपर आ जाता है, यानी इजीली ये वे ओपन हो जाता है। यानी जब हम कई बार हम बोल रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं तो हमारा फूड जो है वो इधर ना जाके थोड़ा इधर आ जाता है, फिर हमें कफिंग आती है, खांसी, जिससे ये फूड वापस निकल के इस तरीके से सही ट्रैक पे चला जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का वो कंप्लीट हो गया। इसे अच्छे तरीके से डायग्राम को प्रिपेयर करें, और डायग्राम में भी वो आउटर कवर बनाने की नीड नहीं है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये इसी तरीके का डायग्राम है। थैंक यू वेरी मच।